हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज कटिंग मेजरमेंट। देखिए, यहाँ पर मैंने एक साइड हमारे चेस्ट का निशान लगाया हुआ है। चेस्ट हमारे, जिस तरह हम ब्लाउज कटिंग करते हैं तो चेस्ट 30, 32, 34, ये हमारे सारे चेस्ट मेजरमेंट का निशान मैंने यहाँ पर लगाया हुआ। इसके बाद हमें इसमें कितना शोल्डर रखना है, 30 इंच अगर हमारे चेस्ट है तो शोल्डर कितना लेना है, आर्म होल कितना लेना है और उसकी नेक विड्थ कितनी लेनी है, यानी हमारे गले की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, वो मेज़रमेंट आज आपके साथ शेयर करूँगी। मेज़रमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं जो बिगिनर हैं उनके लिए कि हमारा शोल्डर क्या होता है और आर्म होल क्या होता है। तो ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक हमारी दोनों कंधियों से, एक कंधी से लगाकर दूसरी कंधी तक ये हमारा शोल्डर रहेगा और इसी में से हम नेक की विड्थ निकालेंगे। उसके बाद आर्म होल हमारा जो हम स्लीव्स अटैच करते हैं वो हिस्सा हमारा आर्म होल कहलाता है, यानी तीरा। और उसके बाद चेस्ट का नाप अगर ब्लाउज से आप नापना चाहें तो इस तरह से ब्लाउज को उल्टा कर हम सेंटर में, जहाँ हमारे टक्स लगे होते हैं वहाँ सेंटर में, इस तरह से हम किसी भी ब्लाउज के चेस्ट साइज इस तरह से पता कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर। देखिए, सबसे पहले हमारा चेस्ट का जो साइज है 30 इंच लिया है मैंने। 30 इंच के लिए हम जो शोल्डर है वो लेंगे 5 इंच, और इसके बाद आर्म होल जो हमारा रहेगा 30 इंच का सबसे छोटा साइज होता है, तो इसमें हम जो शोल्डर लेंगे वो 5 इंच लेंगे और आर्म होल भी हमारा 5 इंच ही रखेंगे। इसके बाद हमारी नेक विड्थ जो रहेगी वो 2 इंच रहेगी। इसमें हम नेक विड्थ कम रखेंगे क्योंकि शोल्डर हमारे छोटे होते हैं 30 इंच में, इसीलिए हम यहाँ पर नेक विड्थ जो रखेंगे 2 इंच रखेंगे ताकि वो कंधी हमारी सरके नहीं। इसके बाद हमारा आ जाता है 32 इंच। 32 इंच साइज़ में हम हमारा जो शोल्डर इंच रहेगा वो 5 इंच रखेंगे और जो आर्म होल रहेगा उसे भी 5 इंच रखेंगे। इसके बाद हमारी नेक विड हम 32 इंच में हम रखेंगे 2.5 इंच। इसमें नेक विड जो है हम 5.5 इंच बढ़ा लेंगे। इसके बाद आता है हमारा 34 इंच का चेस्ट। 34 इंच के चेस्ट में भी हम 5.5 इंच रखेंगे और जो हमारा आर्म होल है, शोल्डर भी हमारा 5.5 इंच रहेगा और आर्म होल हमारा 5.5 इंच रखेगा, और इसमें हम नेक विड रखेंगे 2.5 इंच। ये 34 साइज़ का था। अब 36 साइज़ में हम हमारा शोल्डर का जो नाप रखेगा वो 5.5 इंच लेंगे। यह ध्यान रखिए, ब्लाउज में हमें शोल्डर बड़ा नहीं लेना होता है, तो इस तरह से हम जो हमारे शोल्डर और आर्म होल का साइज़ है जो हम यहाँ पर सेम रखेंगे। और उसके बाद हमारी नेक विड 36 इंच चेस्ट में हम नेक विड लेंगे 3 इंच। इसके बाद हमारा साइज आ जाता है 38 इंच के चेस्ट में हम हमारा जो शोल्डर होगा वो 6 इंच का रखेंगे। 38 इंच साइज जो है थोड़ा बड़ा साइज हो जाता है, तो इसमें हम जो शोल्डर हमारा रहेगा वो 6 इंच का रखेंगे और आर्म होल हमारे 5.5 इंच के रहेंगे, और इसमें जो नेक विड हमारी रहेगी वो 3 इंच रखेगी। उसके बाद 40 इंच में भी हम जो शोल्डर रहेगा वो 6 इंच रखेंगे और आर्म होल हमारा रहेगा 5.5 इंच। इसके बाद हमारा साइज आ जाता है 42 इंच चेस्ट। तो उस 42 इंच चेस्ट में हम रखेंगे शोल्डर जो हमारा होता है वो 6.5 इंच और आर्म होल रखेंगे हम 5.8 इंच। इसी तरह हम इसके शोल्डर का निशान, आर्म होल का निशान लगाएंगे, तो आर्म होल पर निशान लगा देते। मैं इसी ब्लाउज से अपने सारे ब्लाउज की कटिंग करती हूँ इसी मेज़रमेंट से, और फिटिंग उनकी परफेक्ट आती है। आप इसी मेज़रमेंट से ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज की फिटिंग जो है परफेक्ट आएगी। जो हमारा 42 इंच चेस्ट का में नेक विड्थ जो है हम 3 इंच रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद 44 इंच चेस्ट, 44 इंच में हम 6.5 इसके शोल्डर रखेंगे और आर्म होल हमारा 6.5 रहेगा, और यह 44 इंच काफ़ी बड़ा साइज़ होता है, तो इसमें नेक विड हम लेंगे 3.5 इंच। इस तरह जैसे ही हमारा साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे ही हमारे आर्म होल, शोल्डर और नेक विड की जो मेज़रमेंट है वो हम बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह से 46 इंच के चेस्ट में हमें 6.7 इंच हम शोल्डर लेंगे और 6.5 इंच हम आर्म होल लेंगे, और उसके साथ ही 3.5 इंच हम नेक विड लेंगे। देखिए, इस प्रकार से इसको नोट कर लीजिए। अगर आप इस मेज़रमेंट से अपने ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आपकी ब्लाउज कटिंग परफेक्ट होगी और आपके ब्लाउज की फिटिंग भी अच्छी आएगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।